हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लाया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप साइट पे अगर काम करवाओगे एज ए साइट इंजीनियर तो आपको ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा थियोरटिकल आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं पिक्स के दौरान बताऊंगा, मतलब पिक्स दिखाता जाऊंगा और उसमें चीज आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें और क्या उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां देख रहे हो, सबसे पहले हमारा ये टॉर है, एक कोई भी ले लो, मतलब 10 mm का है, ठीक है। तो जो इसके लिए जो मतलब बेंडिंग मशीन पे इसके मैंड्रिल कितना डायक आपको, मतलब कौन सा मैंड्रिल यूज करना है 8D के हिसाब से, मतलब अगर 10 है हमारा 10 mm का बार यूज कर रहे हैं तो उसको बेंड करने के लिए आपको कितना मैंड्रिल यूज करना है। मैंड्रिल हो गया मतलब जो हमारी बेंडिंग मशीन रहती है उसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे रहता है ये एक बेंडिंग के लिए। तो 10 mm के लिए कितना करना है, 80 mm का आपको मैंड्रिल यूज करना है। ये क्वेश्चन ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है काफी। और जो आपका एल रहेगा डेवलपमेंट लेंथ, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए आपकी, 16D, मतलब 16 × 10 160 आपका मिनिमम है, ठीक है। और बाकी लेते हैं कैसे, अगर फुटिंग की हाइट है हमारी 300 और 10 का हम स्टील यूज कर रहे हैं तो इसका लैप लेंथ कितनी होती है, मतलब इसकी डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालेंगे, 40D होती है, ठीक है। 40D या 50D लेते हैं, तो 40D ले रहा हूं मैं, ठीक है। 40 × 10 हो गया 400, तो मतलब 300 इसकी हाइट है, तो ये आ गया हमारा 300, दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे, 50 50 50, 200 200 ये आ गया और 200 ये आ गया, तो ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ ऐसे निकलेगी। और अगर वो नहीं दिया हुआ है लैप लेंथ के हिसाब से तो आपको क्या करना है, 16D मिनिमम ले लेना, मैक्सिमम कर देना, 160 आया था हमारा 200 ले लेना, ठीक है। ये हो गया एक चीज। दूसरी है हमारी जो हमारा रूफ कंप्लीट हो जाता है, मतलब पेडिस्टल हम घर के ऊपर निकालते हैं एक्सटेंशन के लिए, बाय चांस अगर नेक्स्ट स्टोरी आपको बढ़ानी है या जो भी है, तो उसमें क्या ऊपर हम कॉलम मतलब छोटे छोटे छोड़ देते हैं, या नहीं तो सरिया ही निकाल दिया होता है स्लैब में से। बाकी सरिया निकालना वो मतलब खराब है, क्योंकि यहां से लीकेज हो सकती है, क्योंकि मूवमेंट रहेगी विंड से या जैसे भी कोई भी इसको हिलाएगा तो यहां क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे, पानी नीचे जाएगा। तो ये था। तो इसमें क्या करना है, जो आपने स्लैब के ऊपर स्टील निकालना है मिनिमम कितना निकालना है, वो 50D आपका होना चाहिए लैब लेंथ जितना, ठीक है, 50D ये याद रखना। अगर अगला है हमारा जो हमारा लैप लेंथ रहती है, जैसे मैंने ऊपर बात की अभी, तो लैप लेंथ जो हमारी कितनी रहती है, कंप्रेशन जोन है अगर, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर है, मतलब जैसे कॉलम हो गया हमारा कंप्रेशन मेंबर, तो उसमें कितना आपको कितना देना है, 50D आपको उसमें देनी ही देनी है लैप लेंथ, जो मतलब बार में आप अगर वहां कपलर या कोई वेल्ड नहीं कर रहे हो तो आपको कितनी देनी है, 50D उसकी देनी है। 50D मतलब डाया आपका 50 × डाया 10 का डाया अगर यूज कर रहे हो तो 500 आपको लैप देना ही देना है, ठीक है। और टेंशन मेंबर हो गया जिसमें मतलब अगर बीम ले लो जो उसका टेंशन नीचे में, आपको कितना लैप प्रोवाइड करना है, 40D। तो ये था हमारा कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर के लिए। अभी नेक्स्ट है हमारा जो हमारी डेवलपमेंट रहती है, ये आ गया हमारा कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है हमारा, और ये आ गया बीम। तो इसमें जो हम देखा होगा आपने कि ये डालते हैं मतलब स्टील डालते हैं, इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं उसकी, क्यों, एंकरेज के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए। तो ये कितनी इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो बीम के फेस से नीचे तक कितनी होनी चाहिए, एलडी कितना था हमारा, 50D या 40D, तो 50D लेना आपने, 50 × 10 का डाया यूज कर रहा हूं मैं, 500 + 10 × DB, डीबी क्या है हमारा डाया, 10 और कितना हो गया 100, तो हो गया 600 आपको यहां से 600 लेंथ होनी चाहिए। अगर कॉलम है हमारा 300 का, ठीक है, तो कवर माइनस कर लेंगे, 250 यहां बच गया, एक मिनट में कैमरा सेट कर लू, 250 यहां बच गया और बाकी कितना बचा हमारा, 600 था ना, तो 450 नीचे डेवलपमेंट लेंथ चली जाएगी। तो ये एक चीज थी। दूसरी है हमारी जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं शेयर फोर्स को रेजिस्टर करने, मैंने कल वीडियो बताई उसमें बताया ना, जहां हमारा कॉलम का मतलब जंक्शन होता है वहां शेयर फोर्स यहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो शेयर फेलियर यहां होने के चांसेस ज्यादा है, तो हम यहां टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो कितना प्रोवाइड करना है आपने, L/4, मतलब जो आपका स्पैन होगा, ये कॉलम है 2, ठीक है, बीच में L है अपना, L/4 यहां से यहां निकलेगा, L/4 यहां से यहां निकलेगा, और बीच में जितने का आपका कॉलम होगा वो ऐड करना है, तो उससे कटिंग लेंथ निकल जाएगी, ठीक है, ये चीज थी। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा कटल बॉल मतलब बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, हमारा बेंडिंग मूवमेंट यहां
सबसे ज्यादा होता है और क्रैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इधर हम कटल बार मतलब बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 0.15 L, मतलब L ये आ गया आपका, ठीक है ठीक है L। तो 0.15 × L कर लेना, जो वहां से इतनी जगह छोड़ देनी है, यहां से इतनी जगह 0.15 L करके, तो बीच में जो लेंथ आएगी वो आपकी कटल बार की लेंथ होगी। तो अभी तो ये थोड़ा चीजें थी जो मैंने बता दी, अभी मैं आगे बताता हूँ आपको विंडोज का या जो टॉयलेट चीज सीट्स रहती हैं उनका थोड़ा बेसिक। तो यहाँ देख रही हूँ हमारी सीट का जो डाइमेंशंस दी हैं, आप वीडियो पॉज करके उनको देख सकते हो, उनको नोट कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको सीट में प्रोवाइड करना है, कहाँ आपका टॉयलेट पेपर होल्डर होगा, कहाँ वर्टिकल रेल होगी, क्या होगा, वो सब आपको यहाँ वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट है हमारा स्टीयर केस का, मतलब जो हमारी लैंडिंग रहती है दोनों तरफ 300 से ज़्यादा ही जगह होनी चाहिए वहाँ पे, ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड है। दूसरा है हमारा जो क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं वो मतलब किस 45 डिग्री पे प्रोवाइड करना है और उसकी कैसे निकालते हैं, हमारा 0.42 D है, इस पर वीडियो भी है, डी क्या होगी हमारी उसकी डेप्थ। और यहाँ डोर का विंडो का आप देख रहे हो सील लेवल आपकी मिनिमम 800 होनी चाहिए और यहाँ से विंडो खुलेगी वो कितना होना चाहिए 900 से 1200। नेक्स्ट है हमारा जो मतलब ब्लस्टर है, मतलब जो रेलिंग है वो 1 मीटर ऊपर और ब्लस्टर ऊपर उसके, और जो रेलिंग की स्पेसिंग 150 मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब 150 से ज़्यादा आपको वहाँ प्रोवाइड नहीं करनी है। और नेक्स्ट है जो हमारा मतलब वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि क्या क्या मतलब कैसे कैसे आपको टॉयलेट सीट प्रोवाइड करनी है, रेलिंग का क्या होना, मिनिमम इनर डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, जो ओरिएंटल पुल रेल रहती है वो कितना होना चाहिए वो देख लो आप।